सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भया नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रैल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में। और केदार घाटी के एक छोटे से गांव रैल गांव से शाम के लगभग 4:30 हो रही है। और आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग ना थोड़ा देर से हो रही है क्योंकि काफ़ी सारा काम रहा। तो सबसे पहले तो हमारी ड्यूटी रहती है सुबह में जंगल जाने की, क्योंकि गाय भैंसों की भी व्यवस्था करनी होती है, तो इसलिए मैं सुबह में ब्लॉग शुरू नहीं कर पाई। तो अभी हो रही है ब्लॉग की स्टार्टिंग। हमारे घर से भी सनसेट हो गया है और धूप की आखिरी किरण रह रखी है और थोड़ी देर बाद वो भी चले जाएगी। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, आज ना मेरा ना YouTube पे 1 साल पूरा हो चुका है। आज ही के दिन मैंने ब्लॉगिंग शुरू की थी, तो आज ना मेरे YouTube चैनल को 1 साल हो गया है। और आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट किया। और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही आज मेरे YouTube चैनल पर 64,000 फैमिली मेम्बर कम्प्लीट हो चुके हैं। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। और अभी मेरी तैयारी हो गई है घास के लिए जाने की। वैसे ज़्यादा दूर नहीं जाना है, घर ही के नीचे जाना है मैंने घास के लिए। ना गौशाले से थमाली भी ले ली है, तो अभी मैं जा रही हूँ छंजरा काटने के लिए। और अभी मैं पहुँच गई हूँ अपने किचन गार्डन में। तो चलिए जी, अभी मुझे जाना है उधर की साइड। तो वहाँ पर है एक छंजरे का पेड़, तो वहीं से काटना है मुझे छंजरू। और यहाँ से ठीक नीचे दिखाई दे रहे हैं गेहूँ और सरसों और जौ की सार। तो यहाँ ना गेहूँ हो गया, सरसों हो गया और जौ की खेती की हुई है। और देखिए काफ़ी प्यारे लग रहे हैं, और सरसों के फूल तो इन गेहूँ की सारे खेतों की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं और काफ़ी प्यारे लग रहे हैं हरे भरे खेत। तो चलिए जी, इस वाले छंजरे के पेड़ से काटना है मुझे छंजरू। आधा तो ये काट लिया है मम्मी ने। वैसे हम ना भारी करके नहीं ले जाते हैं, एक एक दो दो पुली करके ले जाते हैं, क्योंकि घर ही के पास में है। और कभी जैसे अचानक घास नहीं रहा या कभी कहीं चले गए तो ऐसे पेड़ों से काटा जाता है और ये बचा के रखते हैं हम। तो आजकल ना सर्दियों के टाइम ही इन छंजरों को काटा जाता है। तो ये देखिए, इस पर इतना छंजरा बचा हुआ है, तो मुझे ज़्यादा नहीं काटना है, मुझे काटना है सिर्फ एक पुली। तो चलिए जी, अब चढ़ते हैं पेड़ पे। तो चलिए जी, मैं पेड़ पे भी पहुंच गई हूँ। तो अब ना छंजरा काट लेते हैं। ये देखिए, तो मैंने इस वाले पेड़ से इतना छंजरा भी काट दिया है। अब इसको इकट्ठा करती हूँ और पुली बनाऊंगी। तो चलिए जी, मैंने इकट्ठा भी कर दिया है, अब पुली बनाऊंगी मैं। ये देखिए भाई, काफ़ी बड़ी पुली हो गई है और कुछ यहाँ ऊपर की साइड अटका हुआ है। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने एक गडुली छंचरे की भी बना दी है। अब चलते हैं घर। और जो ये पुली है ना, तो इसको मैं ऐसे सिर में ले जाऊंगी और यहाँ मुझे संभल के जाना पड़ेगा क्योंकि रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ वाला है और फिसलन भी काफी ज्यादा है इस रास्ते में। तो चलिए जी, फाइनली अभी मैं पहुंच गई हूँ घास को लेके गौशाला में, और मैंने वो गौशाले के अंदर भी रख दिया है। बाकी इधर की साइड है हमारी दोनों भैंसें, तो इनको अंदर बांधूंगी। तो अब मैं ना दोनों भैंसों को अंदर बांधूंगी। और गौशाले की हालत देखिए कैसे कर रखी है इन्होंने,
ये देखिए, तो अब गोबर भी साफ करूंगी, पहले इन दोनों को अंदर बांध लेती हूँ। गाय भैंसों को मैंने अंदर भी बांध दिया है और गौशाला की ना साफ सफाई वगैरह भी कर दी है। अब चलते हैं नीचे किचन गार्डन में, और किचन गार्डन से ना मुझे थोड़ा बहुत धनिया और लहसुन के पत्ते लेके आने हैं। अभी मैं पहुंच गई हूँ यहाँ किचन गार्डन में, तो ये रहा धनिया की क्यारी, तो यहाँ से धनिया निकालूंगी मैं। और जैसे जैसे ये बड़ा होगा ना, वैसे ये फूलने लग जाएगा। किचन गार्डन से मैंने यहाँ से धनिया हो गया और लहसुन के पत्ते निकाल दिए हैं। किचन गार्डन से घर आने के बाद मैं अभी आ गई हूँ अपने गैस वाले किचन में, तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक साल पूरे होने की खुशी में कुछ खास बनाया जाए। तो क्या बनने वाला है, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो दोस्तों आज मैं बनाऊंगी प्याज और आलू की पकौड़ी। तो आलू भी मैंने छील दिए हैं और प्याज भी, तो मैं इसको काटूंगी, इस पतीली में काटूंगी। आलू और प्याज भी मैंने काट दिया है पतीली पे, और अब मैं काटूंगी ये धनिया हो गया, लहसुन जो मैं किचन गार्डन से लेके आई हूँ। तो चलिए जी, मैंने इसमें सब चीजें मिक्स कर दी हैं, तो अब मैं इसको अच्छी तरह से घोल बनाऊंगी इसका, और आज करारी करारी पकौड़ियाँ बनने वाली हैं। तो चलिए जी, तो दोस्तों यहाँ बाहर पे अच्छी सी आग भी जला दी है, और चूल्हे में ना कढ़ाई भी रख दी है, लोहे की कढ़ाई, और इसमें डाल रखा है सरसों का तेल। तो बाहर पे अच्छी सी आग जली है और हम बाहर पे ही बनाते हैं, चाहे वो लंच हो, चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे डिनर हो। तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो गया है, और अब इसमें मैं डालूंगी पकौड़ियाँ। तो बनके तैयार हो गई हैं, तो अभी मैंने ना पूरियाँ भी बेल दी हैं यहाँ पे, और फिर से कढ़ाई भी चूल्हे में रख दी है, और तेल लगता है शायद ज़्यादा गर्म हो गया है, तो पूरियाँ बनाएंगे अब। तो पूरियां हो गई और पकौड़ियां भी बनके तैयार हो गई। तो चलिए जी, आज का डिनर भी बनके तैयार हो गया है, और डिनर में मैंने आज बना रखा है छोले हो गए, साथ में है पकौड़ियां आलू और प्याज की, और साथ में है पूरी। तो गर्मा गर्म डिनर कर लेते हैं। तो चलिए जी, अब डिनर कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए। लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मोनिका मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय।